नमस्ते, बातें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तरन्नुम अली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फूल गोभी की खेती के बारे में, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में बातें खेती की में। किसानों के को लाभान्वित करने के लिए आपने स्टूडियो में बुलाया, उसके लिए मैं महान आभारी हूँ। डॉक्टर शुक्ला, जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे फूल गोभी के बारे में, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि फूल गोभी जो है वो कितनी पौष्टिक होती है, कितने फ़ायदेमंद है? अन्य जो सब्जियां हैं उससे इसमें विटामिन बी और प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा इसको अचार के रूप में जो है लोग पसंद करते हैं। इसके साथ ही साथ फूल गोभी की पकौड़ी भी बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत स्वादिष्ट होती हैं, इसलिए फूल गोभी जो है लोगों को ज़्यादा प्रिय है, और इसके साथ साथ विटामिन बी और प्रोटीन होने की वजह से ये पौष्टिक भी है। जैसे आपने बताया, फूल गोभी का जो है अचार भी बनता है। पकौड़ियाँ तो मैंने खाई हैं, पर फूल गोभी का मैंने अचार नहीं खाया, तो इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि खा पाऊँ। फूल गोभी का अचार कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? फूल गोभी का अचार बनाने में कहीं कोई वो परेशानी नहीं है। हाफ बॉयल करके आप जो है फूल गोभी हाफ बॉयल कर लीजिए, और उसमें अपनी टेस्ट के अनुसार उसमें आप हल्की सी मिर्च और काला नमक, भून करके जीरा, ये चीज़ें डाल करके, और उसके बाद आप जो है उसको एक या दो दिन जो है अच्छी तरीके से मिला के धूप में रख दें, और उसके बाद खाना शुरू कर दें, पूरी तरीके से आपको जो है उसको स्वादिष्ट जायका प्राप्त होने लगेगा। सर, इस कार्यक्रम से हमारे किसान दोस्तों को तो फ़ायदा होगा ही, उन्हें खेती के बारे में पता चलेगा, और जो बाकी दर्शक है उन्हें आपने अचार बनाने की रेसिपी भी बता दी। सर, अब मुझे बताइए, जो फूल गोभी है तो एक किसान इसे साल में कितनी बार लगा सकता है, इसकी खेती कितनी बार कर सकता है? देखिए, किसानों के लिए ये हम बहुत ही अच्छा सुझाव देते हैं कि किसान कभी भी एक बार में फूल गोभी ना लगाए। जून के महीने में नर्सरी डाल करके हम अगैती किस्म की जो है वो फूल गोभी की प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। उसके बाद उसको हम 25 से 20 दिन के बाद हम लगा देते हैं, और उसके बाद फिर जब हम दोबारा जो मध्य में दूसरी बार जो हम गोभी लगाते हैं, मध्य अगस्त में उसकी बेड़ डालते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है 25-20 दिन के बाद हम जो है उसकी रोपाई करते हैं। और इसी तरीके से जो पिछैती हमारी फूल गोभी होती है उसका हम अक्टूबर में जो है उसकी नर्सरी तैयार करते हैं, और उसके बाद लगाते हैं। तो इस तरीके से सितंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक जो है निरंतर उसको जो है पैसा मिलता रहता है। लेकिन इसके लिए ये आवश्यक है कि अगर वो अगैती गोभी कर रहा है तो अगैती किस्म ही लगाएं। अगैती किस्म में जो है पंत गोभी एक, पंत गोभी दो, पूसा कार्तिकी, पूसा सिंथेटिक, पूसा दीपाली, अरली कुंवारी और अरली पटना, तो इन्हीं जातियों का चयन करें, और इनका जून के मध्य से लेकर के जुलाई के प्रथम सप्ताह तक नर्सरी डाल दें। उसके बाद जब दोबारा हम मध्य वाली फसल लेना चाह रहे हैं तो ऐसी दशा में हम इसकी जो है मध्य अगस्त में इसकी नर्सरी डालेंगे, और इसके लिए जो है भी जातियों का चयन करना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए जो है वो पंत शुभ्रा, कल्याणपुर, हिसार 14, नरेंद्र गोभी एक और पूसा हाइब्रिड दो, इन जातियों का चयन करना चाहिए। जो हम पिछैती गोभी की बात करते हैं तो पिछैती गोभी जो है वो अक्टूबर में इसकी हम नर्सरी जब डालेंगे तो इसके लिए भी हमको जातियों का चुनाव करना परम आवश्यक है, और इसके लिए जो है इस्नोवाल 16, पूसा इस्नोवाल 1, पूसा इस्नोवाल 2, पूसा सिंथेटिक, विशंबर भारती, विश्व भारती, ये जातियाँ जो हैं इनका चयन करें। इसमें विशेष ध्यान रखने की बात है कि अगर पिछैती की जात को अगर आपने अगैती में बो दिया तो आपकी पैदावार पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको उसका 50% भी उपज ना प्राप्त हो। सर, ये तो आपने हमें बता दिया कि कौन सी किस्म, जैसे अगेती है या पिछेती है, तो उसमें कौन सी किस्म अच्छी होगी और कौन कौन सी किस्म हम लगा सकते हैं। इसमें आपने एक चीज़ और कही, नर्सरी की बात कही, तो जो हम फूल गोभी की पौधशाला तैयार करते हैं वो किस तरह से करते हैं, उसका क्या तरीका होता है? जब हमारी क्यारियाँ बिल्कुल बन जाएँ तो उसमें हम गोबर की सड़ी हुई खाद,
विशेष ध्यान रखने की बात है कि इसमें सड़ी हुई खाद ही को इस्तेमाल करना है, तो गोबर की सड़ी हुई खाद को इसमें बिछा करके खूब अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देते हैं, और मिलाने के बाद हम जो है इसमें बीज जो है डालते हैं, क्योंकि बीज बहुत महीन होता है तो इसको पंक्ति में बोना आवश्यक है, ताकि जो है हमको पौधशाला से रोपाई के लिए ले जाने में उसको निकालने में भी आसानी रहती है, और यदि उसमें कोई खरपतवार हो रहे हैं या कोई दवा छिड़कनी है तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम और सब ध्यान रखते हुए उसको बनाएं। अब जब हम उसको अच्छी तरीके से खाद मिला देते हैं तो उसको हम समतल कर लेते हैं। समतल करने के बाद बीज को पंक्ति में 2.5 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर बो देते हैं। अगैती जो हम गोभी की नर्सरी तैयार करते हैं उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि उस समय तापक्रम अधिक होता है, और उस समय अगर तापक्रम अधिक होने की वजह से जो है मिट्टी जल्दी सूखने की अवस्था आ जाती है, तो एक तो इसके ऊपर जो है जब हम नर्सरी बना करके बीज हम डाल दें तो डालने के बाद इसके ऊपर पुआल या गन्ने की पत्ती बिछा दें ऊपर से, और इसकी जो सिंचाई हम करें वो हजारा जिसे फुहारा कहते हैं उससे इसकी अगर हम सिंचाई करें, इसको बराबर नम बनाए रखें, तो इस तरीके से ये जो है हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। अच्छा डॉक्टर शुक्ला जी, ये भी कहा जाता है कि जो पौध होते हैं अगर बहुत दिनों तक पौधशाला में कोई पौध लगी रह गई है तो उसके बाद उसे खेतों में ना लगाया जाए, तो इसके पीछे क्या वजह होती है, क्यों मना करते हैं? देखिए, हर पौधे की अपनी वृद्धि का एक समय होता है। जिस तरीके से बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ जाती है 18-19 साल का हो जाता है तो फिर वो उसकी बढ़वार जो है बहुत सूक्ष्म रूप से होती है। इसी तरीके से जब पौध में हमारा पौधा 20 या 25 दिन का हो जाता है तो उसके बाद उसमें तने में गांठें पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो अगर हम पौधे की वृद्धि के समय उसका जो है बहुत ही अच्छा वृद्धि का समय होता है, इसलिए उसी पीरियड में हम जो है उसकी रोपाई खेत में आकर कर दें। यदि हम रोपाई नहीं करेंगे उसके बाद हम देर से अगर उसको हम लेकर के और फिर जब रोपाई करेंगे तो उसकी जड़ें जो है डिस्टर्ब हो जाएंगी, और उससे ये होगा कि हमारी जो है वृद्धि जो है जो वृद्धि का समय है उसमें एक रुकावट आ जाएगी। जो इसके बीज हैं आपने जैसे बताया कि बहुत बारीक होते हैं, तो बीजों का उपचार कैसे किया जाता है? बीज उपचार और भूमि उपचार दोनों यदि हम नहीं करते हैं तो फूल गोभी के जो बीज जनित रोग हैं इसमें इतना ज़्यादा संक्रामकता बढ़ जाती है कि जैसे ही बीज जो है अंकुरित होता है वैसे ही ये जो है फफूंदी और बीजाणु जो हैं इस पर आक्रमण कर देते हैं, और ये है कि ज़मीन के ऊपर वो जो है अंकुर नहीं आता है। तो इसलिए बहुत परम आवश्यक है कि जब भी नर्सरी हम तैयार करें तो तैयार करने से पहले हम बीज उपचार करें और भूमि उपचार भी करें। तो बीज उपचार के लिए जो है हमारे पास दो रसायन जो हैं बहुत अच्छे हैं, जिनका नाम है कैप्टान और ब्रेसी काल। ये 2 से 3 ग्राम जो है प्रति किलो बीज के लिए जो है पर्याप्त होते हैं। तो इसमें जो है हल्का सा बहुत हल्की सी नमी बीज में दे करके और इसके ऊपर जो है धीरे धीरे ये कैप्टान या ब्रेसी काल जो है हम छिड़कते रहते हैं और उसको चलाते रहते हैं, तो इस तरीके से ये बीज उपचारित हो जाता है। इसके साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि भूमि उपचार भी करना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए दवा आती है, द्रव है फार्मल्डिहाइड। इसको 160 से लेकर 175 मिलीमीटर तक जो है इसको लेकर के 2.5 लीटर पानी में हम घोल लेते हैं, और 2.5 लीटर पानी में घोल करके हम भूमि के ऊपर छिड़काव करते हैं, और इस तरीके से छिड़काव करते हैं कि भूमि पूरी तरीके से तर हो जाए, तो जो भूमि में जो इसके विषाणु होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। डॉक्टर शुक्ला, आगे भी हम आपसे बहुत कुछ जानेंगे फूलगोभी के बारे में, लेकिन अभी रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आमतौर पर ये देखा गया है जो मिट्टी से नीचे हमारी फसल तैयार होती है उनमें कोई ना कोई रंग आ जाता है, जैसे गाजर है या मूली है सफ़ेद हो जाती है या फिर ऑरेंज हो जाती है, तो ये जो गोभी है फूलगोभी जो है तो इसका हेड जो है वो सफ़ेद कैसे रह जाता है?
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की। डॉक्टर शुक्ला, ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें फूलगोभी के बीजों के बारे में बताया, कैसे उसका उपचार कर सकते हैं, क्या सही तरीका है और किन रसायनों का इसमें इस्तेमाल होता है। अब बात आती है खेत की तैयारी की, तो खेत कैसे तैयार कर सकते हैं फूलगोभी के लिए? उसके लिए सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि जब हमारा रोपाई के लिए खेत तैयार हो तो उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। इसके लिए यदि हम खेत की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले यार खेत में हम समझते हैं कि नमी कम होगी तो एक पहले इसकी सिंचाई कर लेनी चाहिए और सिंचाई करने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक हम पहली जुताई कर देंगे और उसके पश्चात देसी हल से दो अथवा तीन जुताइयाँ और हर जुताई के बाद हम पाटा लगाएंगे। अगर देसी हल नहीं है तो हम कल्टीवेटर से जुताई करेंगे और पाटा लगाएंगे, खेत को समतल कर लेंगे। समतल करना बहुत नितांत आवश्यक है। इसमें आमतौर पर किन उर्वरकों का इस्तेमाल होता है? देखिए, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश, ये उर्वरक तो इसमें नितांत आवश्यक होते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का होना बहुत नितांत आवश्यक है। जब तक गोबर या कंपोस्ट की खाद हम नहीं डालेंगे तो हमारा जो फूल है, जो हेड है, वो हमारा उसमें बहुत अच्छी ना तो चमक आएगी और ना बहुत अच्छा ठोस होगा। इसलिए 300 क्विंटल गोबर या कंपोस्ट की खाद पर हेक्टर हम पहले खेत की तैयारी करते समय, जैसे ही पहली जुताई करें उस समय इसको अच्छी तरीके से खेत में मिला दें। तत्पश्चात हम जो रुपाई करेंगे तो रुपाई करने से पहले हम जो है 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फेट और 60 किलो पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। एक सूक्ष्म पोषक तत्व भी है जिसका अभी विश्वविद्यालयों द्वारा शोध किया गया है कि मॉलीब्डेनम की अगर मिट्टी में कमी है तो पौधा अच्छी तरीके से बढ़ता भी है, उसका वानस्पतिक वृद्धि भी होती है, लेकिन उसके हेड नहीं बनते। तो यदि मृदा परीक्षण कराने के पश्चात मिट्टी में मॉलीब्डेनम की कमी है तो मॉलीब्डेनम को भी देना आवश्यक है। और इसमें सिंचाई की कितनी ज़रूरत होती है? देखिए, ऐसी दशा में जो अगैती है जो हम रोपाई कर रहे हैं तो उसमें 5 से 6 दिन के इंटरवल पर हम सिंचाई करते हैं। हर 5 या 6 दिन के बाद हमको जो है सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब हम पिछैती गोभी की बात करते हैं तो हम 10 से 15 दिन तक का भी हमारा जो है अंतराल हो जाता है। एक बात का और ध्यान रखना जरूरी है कि अगैती जो है उसको हम बलुआ दोमट में भी अच्छा पैदा कर सकते हैं और पिछैती के लिए दोमट और मटियार ज़मीन बहुत अच्छी होती है। अच्छा, जो हम पौधशाला से पौध खेत में लगाते हैं तो बुआई के कितने दिन बाद हेड बनना शुरू हो जाता है? देखिए, इसका जो है पकने का समय जो है वो अलग अलग है। 60 से 80 दिन में जो है वो अगैती फसल जो है हमारी पक कर के कटाई योग्य हो जाती है, और जो हमारी मध्य किस्म की जो फसल है वो 90 से 110 दिन में पक कर के तैयार होती है काटने के लिए, और जो हमारी पिछैती है वो 100 से लेकर के 120 दिन में पक कर के तैयार होती है काटने के लिए। डॉक्टर शुक्ला, आमतौर पर ये देखा गया है जो मिट्टी से नीचे हमारी फसल तैयार होती है उनमें कोई ना कोई रंग आ जाता है, जैसे गाजर है या मूली है सफ़ेद हो जाती हैं या फिर ऑरेंज हो जाती हैं, लेकिन जो मिट्टी से ऊपर हमारी फसल तैयार होती है तो वो हरी रह जाती है, चाहे कोई भी सब्जी हो। तो ये जो गोभी है, फूल गोभी जो है, तो इसका हेड जो है वो सफ़ेद कैसे रह जाता है? हरा रंग जो है ये क्लोरोफिल का सूचक है, और ये क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है जिसमें पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया करते हैं, तो उससे जो है ये पत्तियाँ सब हरी रहती हैं। क्योंकि एक तो इसमें चारों तरफ से पत्तियों से ये ढका हुआ होता है, और जब पत्तियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं तब उसके बाद जो है हेड का फॉर्मेशन शुरू होता है, इसलिए जो है ये सफ़ेद रहता है। डॉक्टर शुक्ला, आगे भी हम आपसे और भी बहुत कुछ जानेंगे फूल गोभी के बारे में, लेकिन अभी रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो इनकी फसल है वो ऐसी कौन सी जगह बेचें जहां उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो जाए, नुकसान से बच जाएं वो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की। डॉक्टर शुक्ला, ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें बताया जो फूलगोभी का सफ़ेद रंग होता है वो किस वजह से होता है। तो एक बात मैंने सुनी है कई बार कि जो फूलगोभी होती है उसके पत्तों को कई बार बांध दिया जाता है, तो शायद इसके पीछे भी यही वजह होती है कि उसका हेड है वहाँ तक रोशनी ना पहुँचने पाए सूरज की। हाँ, एक तो ये है कि अगर नाइट्रोजन की बहुतायत हो जाती है तो हमारी पत्तियों के ज़्यादा बढ़ कर के गिरने का भी डर रहता है, और दूसरे ये है कि जब उसकी हम बंधाई कर देते हैं तो हमारा जो फूल है उस पर सन रेज, जो सूरज की जो है तेज़ धूप है, वो नहीं पड़ती है और उसको जो है पत्तियां चारों तरफ से ढके रहती हैं, जिससे फूल सुंदर बनता है और सफ़ेद बनता है। सर, अब मुझे इसमें बताइए फूलगोभी में आमतौर पर कौन कौन से कीट लगते हैं और उनसे उनसे बचाने के लिए फसल को हम किन कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं और उनकी मात्रा क्या होती है? जब गोभी का पौधे का विकास हो रहा होता है उस समय गिजार या सूढ़ी, और ये सूढ़ी जो है जो पत्तियों को झुंड के रूप में खाती है, और उसके लिए हम एलसान 50% धूल डस्ट या मैलाथियान 50% की डस्ट या कारवारिल 10% की धूल को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर लेकर के, और हम उसको या तो हाथ से, और नहीं तो अच्छा ये होगा कि जो डस्टर आता है उसमें डाल करके और उसको मशीन को चला देते हैं तो अच्छी तरीके से जो है पत्तियों पर ये जम जाती है और उससे जो है सारी सूढ़ियाँ जो भी हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो ये जो है एक ही ऐसा रोग है, कीट है जो फूलगोभी को हानि पहुंचाता है। और इसमें आमतौर पर लगते कौन कौन से रोग हैं? इसमें दो रोग मुख्य हैं, एक काला सड़न। तो इसकी एक तो मैं ये पहचान बता दूं कि ये काला सड़न है भी कि नहीं है, किसान को ये जानना बहुत आवश्यक है। तो इसमें पौधे पर जो वी, जो STUV के बाद UV पड़ती है, उसके आकार के जो हैं ये निशान इस पे पत्तियों पर पड़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये जो है पहले कुछ भूरे रंग के हो जाते हैं, और भूरे रंग के बाद ये काले आकार के होने लगते हैं और पत्तियां जो हैं वो नष्ट होने लगती हैं। तो इसके लिए जो है हम ब्लीचिंग पाउडर 10% का घोल से जो है पहले तो हम इसका उपचार करें, और स्टेप्टोमाइसिन और प्लांटोमाइसिन ये ऐसी दवाएं हैं जो जिनका बीज उपचार जो है अगर कर लिया जाए तो ये दवा जो है इतनी उपयुक्त है कि फिर ये काला सड़न का रोग नहीं लगेगा। जो और एक सड़न की बीमारी है ब्लैक रॉट, ये जो है ये भी जीवाणु जनित रोग है, इसको भी जो है इन्हीं जो रसायन है इन्हीं रसायनों से इसको जो है हम उपचार कर लेते हैं। सर, जो अब हमारी फसल है वो तैयार हो चुकी है, आपने सब कुछ हमें बता दिया कि स्टेप वाइज कैसे क्या करना है, कैसे क्या होगा, हमारी फसल जो है वो कैसे तैयार होगी, कितने दिन में तैयार होगी, तो अब जो कटाई है, कटाई का समय आ गया है, तो कटाई कैसे की जाए फूलगोभी की और उसका तरीका क्या है सही? देखिए, जब फूल हमारा अच्छी तरह से पककर के मतलब यानी ठोस अवस्था में आ जाए, तो जब जिस तरीके से कहते हैं ना बहुत बंधा हुआ फूल, तो ये ठोस अवस्था में जब आ जाता है तो ये हमारा जो है मान लिया जाता है कि अब इसकी हमें कटाई करनी है। तो कटाई करते समय फूल गोभी की कटाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऊपर से ना काट करके नीचे ज़मीन के पास से पूरा डंठल जो है इसको साथ में लेकर के काटें। डंठल जितना ही इसके साथ होगा उतना ही हमारी फूल गोभी की सुरक्षा होगी। प्रातःकाल और सायंकाल में कटाई करें, पत्तियों को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। पत्तियां जब जो है वो मंडी में ले जाने तक जो है सुरक्षित रूप से फूल को एक दूसरे के ऊपर, जैसे अगर हमको बुग्गी में ले जाना है या ट्रैक्टर ट्राली में ले जाना है, तो इसको इस तरीके से फूल को चुनाव करके रखें कि हमारी पत्तियां टूटे नहीं, जिससे पत्तियों से वो फूल जो है सुरक्षित बना रहे। और वो जो इनकी फसल है वो ऐसी कौन सी जगह बेचें जहाँ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो जाए, नुकसान से बच जाएँ वो? बड़े काश्तकार के लिए तो ये आवश्यक है कि ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से वो मंडी में ही ले जाएगा और मंडी में जाकर के ही उसको बेचना है। लेकिन छोटे काश्तकारों के लिए ये है कि अगर वो छोटी छोटी सब्जी मंडियों में जाकर के अपना थोड़ा थोड़ा जो है
ले जा करके अपना नित्य प्रति रोज जो है बेच लेता है तो उसे उससे पैसा ज़्यादा मिलेगा, और रोज का रोज जो है पैसा मिलने पर किसान को अपने और कार्य करने में उसमें सुविधा होगी। डॉक्टर शुक्ला, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें फूल गोभी की खेती के बारे में बताया, बहुत अहम जानकारियाँ दी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे स्टूडियो में किसानों को लाभान्वित करने के लिए बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो टीवी स्क्रीन पर दिए इस पते पर आप हमें लिख भेजिए। हमारा पता है 302 ए पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com, या फिर आप हमें संपर्क कर सकते हैं 01204980000 या फिर 4980011 पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्ते।